दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहां भी होंगे बियॉन्ड इन्फिनिटी से ज़बरदस्त इनकम कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुजीत प्रयागराज से दोस्तों आप सभी के बीच में एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हो चुका हूँ और एक बहुत ही जानदार शानदार वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारे विड्रॉल, हमारे बाइनेंस पे जो अमाउंट होता है उसका कैसे यूज़ करेंगे, उसके ऊपर बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले हर एक टॉपिक की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी मेंबर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज़ 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 आप सभी से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिसके कारण ऐसे ही ज़बरदस्त शानदार वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे और सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उसका फ़ायदा ले सकें और आप अपनी टीम को शेयर कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बाइनेंस से USDT किसी दूसरे को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कंप्लीट जानकारी। यानी कि जो भी आपका डॉलर USDT आपका जो है बाइनेंस पे इनकम के रूप में आप लेते हैं, उसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे। जैसे बाई चांस आपको कहीं शेयर करना है किसी दूसरे मेंबर्स के पास, किसी दूसरे भाई के पास, किसी एड्रेस के ज़रिए आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उस टॉपिक को आज मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दिखाऊंगा और कंप्लीट जो है आपको अमाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा, उसका एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे दर्शाता जाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो सके और आप अपनी टीम को भी गाइड कर सके इस वीडियो के माध्यम से। जो विड्रॉल आपका करना है, जो आपका अमाउंट आपका बना हुआ है अपने बियॉन्ड इन्फिनिटी से, जो भी आपने बाइनेंस पे लिया है अपनी इनकम को, उसका अगर कोई भी मेंबर्स अपने बाइनेंस पर ही किसी मेंबर्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से यहां पे कर पाएगा, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं किस तरीके से हम अपने USDT को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी ID पर जाते हैं, जहाँ से हम अपने WhatsApp पे वो एड्रेस देखेंगे जो कि मेंबर्स, जैसे कि बाई चांस आपके किसी दोस्त ने आपसे मांगा कि भाई आपके पास कुछ USDT हो तो मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आप अपना USDT कैसे उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे और उससे आप पैसा कैसे ले पाएंगे, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपना WhatsApp पे जाना है, जहां पर हम अपने मेंबर से जो भी USDT लेना चाह रहा है उसका रिसीविंग एड्रेस आपको कॉपी करना होगा, उसी एड्रेस पर आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम जैसे कि अभी गौरव जी हमसे 10 USDT मांग रहे हैं, तो मैं उसको कैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उनके WhatsApp पे गया, जहाँ पर उन्होंने अपना एड्रेस शेयर किया हुआ है बाइनेंस का, जहाँ पर वो अपना बाइनेंस का अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो वो आगे चल के मैं बताऊँगा कहाँ से कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आज केवल मेन पॉइंट हम ट्रांसफ़र करने के सिस्टम को सीख रहे हैं। तो दोस्तों इसको हमें कॉपी करना है, तो ये जो एड्रेस सर ने भेजा है इसको थोड़ा सा उंगली से पुश करेंगे, थोड़ी देर ऐसे एक मिनट आधे मिनट उसको दबा के रखेंगे, तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आएगा और सॉरी कॉपी का ऑप्शन आएगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद ऊपर दाहिने हाथ में सबसे ऊपर देखिए, तीर के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है, जो तीन बिंदी दिख रही है उस पर आपको टच करना होगा। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन खुल के आता है, कॉपी, पिन और रिपोर्ट का, जहाँ से हमें कॉपी के ऑप्शन पर टच करना हो। कॉपी के ऑप्शन पर जैसे ही टच करेंगे दोस्तों, ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाता है। फिर वापस से हम ये देखिए, कॉपी ऊपर हमने कर दिया तो नीचे ये कॉपीड लिख के आ जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हम इस एड्रेस को कॉपी कर लिए हैं, जहां से हम अपने बाइनेंस पे जाके इस एड्रेस पे USDT ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद वापस से हम अपने मेन पेज पे आ जाते हैं मोबाइल के, फिर हम अपने बाइनेंस पे जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर भी आपका बाइनेंस ऐप रखा हुआ है तो अपने बाइनेंस पे जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, बाइनेंस और साथ में आपको ऑथेंटिकेशन, गूगल का ऑथेंटिकेशन ऐप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से हर जगह वो यूज़ होता है। तो बाइनेंस के ऑप्शन पे हम गए और अपने बाइनेंस पे हमने टच किया। जैसे ही हम अपने बाइनेंस पे टच करते हैं दोस्तों, हमारे सामने हमारे बाइनेंस पे जितना भी अमाउंट यहाँ पे शो करता है आप देख सकते हैं, सामने हमारा $92.96 यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ से हम $10 USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं गौरव सर को। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे नीचे राइट हैंड साइड में वैलेट का ऑप्शन, वैलेट के ऑप्शन पे हम टच करते हैं और वैलेट का पेज जो खुल के आता है, आप ध्यान दें दोस्तों, आपका वो अमाउंट, जो भी अमाउंट आपके बाइनेंस पे रखा हुआ है, अगर वो स्पॉट पे है
तो उसे आप फंडिंग पे ले आ सकते हैं, तभी वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो स्पॉट पे टच करके नीचे आप फंडिंग पे सिलेक्ट करके आप कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये फंडिंग पे वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वापस से हम इस वो फंडिंग पे ट्रांसफ़र जब कर लेते हैं तो हमारा ये 92.87 USDT यहाँ दिखा रहा है। तो इस जो हमारा अमाउंट शो कर रहा है उसको हम ट्रांसफ़र लेते हैं। तो ये देखिए, ध्यान रखें दोस्तों, हमें फंडिंग पे जब आप टच करते हैं, आपका जो डॉलर है यहाँ शो कर रहा है, आप जब फंडिंग पे ऊपर टच करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च हिस्ट्री दिखेगा। आपको USDT पहले सिलेक्ट कर लेना होगा, वहाँ टच करेंगे तो USDT सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आप जब USDT पे टच करते हैं तो नीचे की तरफ आपको विड्रॉ के लिए दो ऑप्शन खुल के आता है, सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड व्यू ईमेल फ़ोन ID। तो हम सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क पे टच करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे टच करते हैं दोस्तों, हमारे सामने ये पेज खुल के आता है सेंड USDT का। तो यहाँ पर वो एड्रेस डालेंगे जो हमने अभी गौरव जी का जो भेजा गया एड्रेस था वो हम कॉपी कर चुके हैं। अब यहाँ हम उसे पेस्ट करेंगे, उंगली से थोड़ा सा हम लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट लिखा हुआ है उस ऑप्शन पे उंगली से थोड़ा सा पुश करके रखेंगे और आप ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पेस्ट के ऑप्शन पे हम टच करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक वो पूरा एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। ये देखिए, पेस्ट के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा पुश करके रखें, यहाँ पेस्ट के लिए बोल रहा है। अब पेस्ट के ऑप्शन पर हमें टच कर देना होगा। जैसे ही हम पेस्ट के ऑप्शन पर टच करते हैं दोस्तों, आपका पूरा का पूरा एड्रेस जो भी हमने अभी गौरव जी के व्हाट्सएप से उठाया था वो एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल हो चुका है। अब उसके नीचे नेटवर्क ऑप्शन मांग रहा है। अब नेटवर्क हमें क्या चाहिए, नेटवर्क के ये देखिए तीर के निशान पे जो छोटा सा एरो बना हुआ है वहाँ पे हमें टच करना होगा। ESO जहाँ लिखा है वहाँ उसके राइट हैंड साइड में, तो वहाँ पे जैसे ही हम टच करते हैं दोस्तों, हमारे सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रोन TRC20 के ऑप्शन को टच कर लेना है क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा ये ट्रांजेक्शन होना है। तो TRC20 के ऑप्शन पर हमें एक बार टच कर देना होगा, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेगा नेटवर्क आपका ट्रोन TRC20। अब उसके नीचे देखिए दोस्तों, विड्रॉल अमाउंट शो करेगा। विड्रॉल अमाउंट में क्या होगा, जो भी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट यहाँ डालना है। जैसे कि मुझे अभी 10 TRX ट्रांसफ़र करना है गौरव जी को। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप यहाँ से किसी को भी अपना USD ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कुछ चार्ज बाइनेंस को देना पड़ता है। तो यहाँ पर $1 फीस लगती है ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पर हम उसको टच कराएंगे, जैसे कि अभी $10 अगर वहाँ पर उनको शेयर करना है तो हमें $11 सेलेक्ट करके रखना होगा। जितना भी ट्रांसफ़र करना है उसके अलावा $1 हमें यहाँ एक्स्ट्रा रखना होता है, जिसके कारण उनको उनके पास उतनी ही अमाउंट का USD ट्रांसफ़र हो सके। नहीं तो वहाँ पर आपको जाएगा तो एक USDT ट्रांसफ़र आपको माइनस में होगा, ध्यान रखिए दोस्तों। तो यहाँ हम अभी सेलेक्ट करते हैं 10.87, चूँकि मेरे पास अभी मैं सैंपल केवल देखने के पर्पज़ से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 10.87 मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट था इसलिए मैंने उसको उतना ही सेलेक्ट किया। अब देखते हैं वहाँ पर कितना जाता है। अब उसके नीचे जैसे ही अमाउंट आप टाइप कर लेंगे उसके नीचे आपको विड्रॉल का ऑप्शन येलो कलर का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उस येलो के ऑप्शन विड्रॉल के ऑप्शन पर टच कर देंगे एक बार। जैसे ही हम टच करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन मांगेगा। ये देखिए, ऊपर आपने 10.87 USDT साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे कंफर्म का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस कंफर्म के ऑप्शन पे हमें टच कर देना होगा। जैसे ही कंफर्म के ऑप्शन पे हम टच करते हैं दोस्तों, आपके सामने सिक्योरिटी वेरीफिकेशन रिक्वायरमेंट बोलेगा। यहाँ पर दो तरीके की सिक्योरिटी आपको कन्फर्म करानी होती है क्योंकि बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी बाइनेंस के ऊपर होती है, उसी माध्यम से आप अपना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली ले पाएंगे, सेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑथेंटिकेशन मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि आपके पास गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप होना चाहिए जो कि बाइनेंस से अटैच होना चाहिए, जिससे कि आपका जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे इस तीर के ऑप्शन पर, ऑथेंटिकेशन ऐप के सामने जो तीर बना हुआ है उस ऑप्शन पर जैसे ही आप टच करेंगे, आपके बाइनेंस पर एक 6 अंक का एक कोड जाता है। उस कोड को आपको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना होगा। जैसे ही आप टच करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक 6 अंक का पासवर्ड मांग रहा है, तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाके उसको पेस्ट कर देंगे। फिर ऑटोमेटिक यहाँ सबमिट हो जाएगा, आपको छूने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ईमेल वाले ऑप्शन को टच करना है। जैसे ईमेल के तीर के निशान को आप टच करते हैं दोस्तों, आपके जीमेल पर एक 6 अंक का पासवर्ड जाता है, तो उस जीमेल के ही के पासवर्ड को भी आपको कॉपी करके
यहाँ पे इस कॉलम पे आपको टच कर देना है, पेस्ट कर देना है। फिर जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ सबमिट हो जाएगा। ये दोनों वेरीफाई होने के बाद आपका अमाउंट सक्सेसफुली आपके जिस भी मेंबर को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ सरलता से पहुँच जाता है। और नीचे आप व्यू हिस्ट्री कर आपका देखिए विड्रॉल प्रोसेसिंग, जैसे ही आप लगाते हैं तो आधे मिनट एक मिनट के बीच में आपका वो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है जिस भी मेंबर को आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और फिर नीचे व्यू हिस्ट्री पे आप जब टच करके देखेंगे तो आपके आईडी पे क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारी आईडी से यानी कि आपके बाइनेंस से जो भी आपका अमाउंट माइनस हुआ है ये पूरा आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा। जैसे कि हमने अभी ट्रांसफ़र किया है वो टाइम भी दिखेगा, अमाउंट भी दिखेगा, कंप्लीटेड का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -10.87 USDT आपका हमारा माइनस हुआ है जो कि गौरव जी को सेंड किया हमने। अब उसके बाद आप आ जाइए एक पॉइंट बैक आते हैं तो आपके सामने साफ साफ पहले ही लिखेगा 92.87 जो कि आपका ओरिजिनल अमाउंट ओरिजिनल USDT था जो आपने ट्रांसफ़र किया था उसके पहले। जैसे ही आप एक बार इसको उंगली से हल्का सा नीचे स्लाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी आपने ट्रांसफ़र किया है वो माइनस होकर आपका USDT यहाँ पर शो करने लगेगा। एक बार हमने रिफ्रेश किया उसके बाद देखिए हमारा 82 USD यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि हमारा 10.87 USDT यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और गौरव जी को वहाँ रिसीव हो चुका है। अब देखिए उनको रिसीव हुआ है तो कितना हुआ है वो भी चल के देख लेते हैं। हमने सर का भी स्क्रीनशॉट मंगाया जिससे कि आपको समझाने में हमें आसानी हो सके। ये देखिए सबसे ऊपर गौरव जी का नाम लिखा हुआ है, गौरव जी को ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये देखिए कितना पहुँचा है इनके पास, 9.94 इनके पास 0.07 USDT था, 0.07 USDT ऑलरेडी इनके आईडी पे रखा हुआ था। हमने इनको ट्रांसफ़र किया 10.87 USDT जिसमें से फीस कटी है $1 की फाइनेंस के ट्रांसफ़र की, तो वो $1 जब माइनस हुआ है तो 9.87 इनके पास पहुंचा है, तो $1 फीस कट गई एकदम सफलतापूर्वक एकदम स्पष्ट हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया कि हाँ किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने वाले के पास भी कितना अमाउंट पहुँचता है USDT यहाँ पे पूरी तरह से साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपको क्लियर हुई होगी कि हम अपने बाइनेंस के USDT को या जो भी आपके पास TRX है या जितने जो भी है वो अपने दूसरे मेंबर्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। एक एक स्टेप मैंने क्लियर किया है, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा दोस्तों एक बार फिर से आप वीडियो देखिएगा पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट के ज़रिए पूरा स्टेप किया है कि आपको समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो सके और आसानी से आप अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकें और अपने टीम की हेल्प कर सकें, अपने टीम में ऑल मेंबर्स को ये चीज़ें शेयर कर सकें कि वो भी अपने हाथ से अपनी आप बैलेंस पे जो भी अमाउंट बना है उसका यूज़ कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी मेंबर्स न्यू हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं आप सभी से विनम्र निवेदन एक बार फिर से करता हूँ कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिसके कारण ऐसे ही ज़बरदस्त शानदार वीडियो लेके मैं आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत होता रहूँ और बियॉन्ड इन्फिनिटी की किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ूँ नहीं। और स्टेप बाय स्टेप आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं हर एक पॉइंट की मैं वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको कोई भी परेशानी बियॉन्ड इन्फिनिटी में ना हो। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में आसानी हो और मेहनत करके मैं आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो बना के देता रहूं। तो ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय बियॉन्ड इन्फिनिटी।